नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ़ोटो से पीडीएफ कैसे बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि फ़ोटो या एल्बम को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो गाइज आज मैं आपको जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ उसमें आप एक क्लिक में ऑफलाइन तरीके से फोटो को पीडीएफ या फिर जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको जो कागज स्कैनर करके एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है मेड इन इंडिया है, तो इसको जो आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर दूंगा। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है, हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ से इस एप्लीकेशन में जो है कस्टम वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने कोई वेबसाइट बना रखी है तो आप अगर उसमें पीडीएफ अपलोड करते हो तो आप अपनी वेबसाइट का जो वाटरमार्क यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपने चैनल का वाटरमार्क ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मार टेक्नो देव करके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। अगर आप जो है दूसरी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, नॉर्मली मैं यहाँ से इंग्लिश रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको जब भी फोटो को पीडीएफ में जो कन्वर्ट करना है या फिर पीडीएफ बनाना है फोटो को, तो आपको नीचे जो प्लस का साइनअप दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसको अलाउ करते हैं तो हमारा कैमरा जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आप जो है कैमरे के जरिए फोटो को क्लिक करके जो पीडीएफ बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आप जो है फोटो को क्लिक करके भी जो पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। या फिर दोस्तों, आपको इस साइड में जो गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको नॉर्मली गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने फोटो को पहले से क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आपका जो है गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर जो भी फोटो का पीडीएफ क्रिएट करना है उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से जैसे कैमरा ओपन कर देता हूँ, कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों मैं इन 6 इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको क्रम वाइज इन इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा साइड में, तो आपको नॉर्मली इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे फोटो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्रम वाइज नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आप दोस्तों इसके बाद अगर आप कैमरे से फ़ोटो को और भी क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो है कैमरे से फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो और ऐड कर देता हूँ कैमरे से क्लिक करके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वो फ़ोटो हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों, आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, आप अपने फ़ोटो को यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर जो फोटो को क्रॉप करके मैनेज कर सकते हो। या फिर दोस्तों, अगर आप फोटो को रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट और राइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से अपने फोटो को रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, अगर आप फोटो को क्रॉप नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नो क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको नो क्रॉप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सामने जो है दूसरा फोटो ओपन हो जाएगा। इसको भी आप जो यहाँ से एडिट कर सकते हो, या फिर आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके जो है आप सातों फोटो को जो है यहाँ से एडिट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आप जो है यहाँ सभी इमेज को यहाँ से जो है एडिट कर देते हो, तो इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ से अपनी इमेज का जो है कलर चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो है कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी इमेज का कलर चेंज नहीं करना है तो आपको नॉर्मल ओरिजिनल वाले जो ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है और आपको यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सारी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। दोस्तों, आप जो है यहाँ से इमेज का क्रम भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई इमेज के ऊपर नीचे जो है क्रम में ऐड होगी, तो आप यहाँ से जो उस इमेज को होल्ड करके जो उसका क्रम भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आपको जब भी पीडीएफ को व्यू करके देखना, तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन मिलेगा व्यू पीडीएफ का, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कि आपका पीडीएफ कैसे शो होगा वो आपको यहाँ पर जो है शो हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपकी इमेज जो कुछ इस तरह की यहाँ पर शो होगी। दोस्तों, आपने जो वाटर मार्क वहाँ पर ऐड किया था वो आपको यहाँ पर जो है आपके पीडीएफ में कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि सभी इमेज के नीचे जो आपको यहाँ पर जो आपका वाटर मार्क यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आप जो है इस पीडीएफ को यहाँ से ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा, आप इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पीडीएफ जो हमारे मोबाइल फ़ोन में सेव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, आप जो है यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके जो इस पीडीएफ को रीनेम भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इस जो बाय डिफॉल्ट जो नेम है इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर मैं न्यू नेम ऐड कर देता हूँ, जैसे पेंटिंग इमेज करके, और यहाँ से सेव कर देता हूँ।
ठीक है। तो मैंने अपने पीडीएफ का जो यहाँ से नाम भी चेंज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको जो इस पीडीएफ को किसी को शेयर करना, तो नॉर्मली दोस्तों आपको शेयर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन मिला है आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करके जो है इसको जेपीजी या फिर पीडीएफ में जो है कन्वर्ट करके किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप जो है इसको अगर किसी फोल्डर में मूव करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आपको किसी दोस्त को शेयर करना है नोट्स बना के किसी फोटो का, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद शेयर इस पीडीएफ पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर व्हाट्सअप या फिर फेसबुक किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से व्हाट्सअप को जो है ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इस पीडीएफ को जो है शेयर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड्स को जो इस पीडीएफ को शेयर करके बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ किस तरह से शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही वो इसे ओपन करेगा तो कुछ इस तरह से जो हमारा पीडीएफ यहाँ पर ओपन होगा। तो दोस्तों इस तरह जो आप इमेज को बहुत ही आसान तरीके से जो है पीडीएफ या फिर जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने फाइल मैनेजर को ओपन करके बता देता हूँ कि मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड किया था वो किस तरह से शो होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जो सर्च कर लेता हूँ पेंटिंग इमेज करके, ठीक है, इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पर अपना पीडीएफ शो होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पेज नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह जो आप किसी भी फोटो को जो है यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल टेक्नो देव को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें।